हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कबरी। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं सिंपल मसालों के साथ सिंपल तरीके से राजमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशंट होती है राजमा में। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए। अगर आपको ये रेसिपी जरा भी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे बॉयल राजमा, जिसे मैंने 3 से 4 सीटी लगा के बॉयल कर लिया था। इसके बाद लिया यहाँ पे जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट फिल, और उसके बाद हमने लिया एक मीडियम साइज का टमाटर, जिसे अच्छे से प्योरी बना लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई, कोरिएंडर लीफ डेकोरेशन के लिए, और हमने लिया यहाँ पे राजमा मसाला। अब चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो गैस को ऑन कर दिया, एक नॉनस्टिक की कढ़ाई लिया है हमने, इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। आज मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, आप चाहो तो किसी और ऑयल में बना सकते हो। जैसे ऑयल गर्म हो जाए इसमें ऐड कर देंगे बे लीफ, और इसमें साथ में ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड एंड मेथी दाना। और जैसे इसका कलर हल्का ब्राउन होने लगे, मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप ग्रीन चिली, जो पहले से ही कट करके रखी थी। और ग्रीन चिली का कलर हल्का सा भुन जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सीधे प्योरी। मैं इसमें कोई भी जिंजर गार्लिक या टोमेटोज का यूज नहीं करने वाली हूँ, ऐसे रॉ मैं सब इसको पीस लिया है पहले से, सो दैट कि हमारी प्योरी जो है वो थोड़ी थिक बने। राजमा में ग्रेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर ग्रेवी अच्छी है तो राजमा की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे काफ़ी अच्छे से कुक कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही चलाते हुए ऐसे कुक करेंगे, जिससे कि ये सारी जो लिक्विड है, ग्रेवी है, इस तरह से ये हमारी काफ़ी थिक हो जाए और जितने भी वाटर है ये अब्सॉर्ब हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया, यानी पिंक कलर का हो गया है, और जो ग्रेवी दिख रही थी एकदम, वो अब एकदम सॉफ्ट हो गया और बहुत ही कम क्वांटिटी में हो गया है। अब इस स्टेज पे हमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा सा हमें लेना है यहाँ पे आमचूर पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में ये ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लेना है हमें क्रश किया हुआ लाल मिर्च पाउडर, और ये है राजमा मसाला, जिसे मैंने घर पे बनाया है। इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपको शेयर कर दूंगी। अब इन सबको अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर तक हम इसे ड्राई ही भूनेंगे। गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है यहाँ पे, जिससे मसालों को हल्का सा ड्राई ही भून लेंगे इन सबको। जब इससे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमें वाटर ऐड करना, जिसे मैंने 1/2 कप वाटर ऐड किया था, और इन सबको मसालों को अच्छे से मिला लेंगे पूरा, और काफ़ी अच्छे से एक थिक पेस्ट बनके एकदम रेडी हो गया है। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ढक के मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे, हमें इसे लो वाले पे इसे पका लेना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे करते हैं तो 2 मिनट काफ़ी है, और बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहना, जिससे कि मसाले अंदर से जले नहीं। अब 2 मिनट हो गए, मैं इसे ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मसाले जो है काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, और एकदम जो पेस्ट है वो काफ़ी अच्छे से एकदम रेडी हो गया है। तो इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हमें ऐड कर देना है यहाँ पे टमाटर प्यूरी, जो मैंने मीडियम साइज के टमाटर का ही बनाया था, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे, और 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसे मसालों के फिर से मिला के पकाना है हमें। अगर ग्रेवी बहुत अच्छी चाहिए तो मसाले बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इस तरह से स्टेप को ज़रूर फॉलो करके बनाइएगा। 1 मिनट तक मैं इसे और कुक करने वाली हूँ ढक के। 1 मिनट हो चुके हैं, मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारे जो मसाले हैं एकदम पक चुके हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। अब इस स्टेज पर हमें ऐड करना है बॉयल्ड राजमा, जिसे मैंने 3 से 4 सीटी तक बॉयल किया था, और पहले से इसे ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें तुरंत वाटर बिल्कुल नहीं ऐड करना है हमें। इसे 1 मिनट तक ऐसे ही ढक के फिर से पकाना है। 1 मिनट के बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ। अभी काफ़ी अच्छे से एकदम मसाले रेडी हैं, और राजमा भी काफ़ी अच्छे से
इसकी भी एरोमा काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है मसालों में, तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस स्टेज पे हमें ऐड करना है वाटर, और वाटर की क्वांटिटी मैंने 1.5 कप लिया था, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक स्वाद अनुसार डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे ढक के, और जिससे कि जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए, और ग्रेवी हमारी बिल्कुल थिक चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए। तो इस क्वांटिटी में हमारी ग्रेवी हो गई है, और 5 मिनट बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से एकदम कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। थोड़े कैमरा की क्वालिटी कम है तो इसलिए कलर भी अच्छे दिख नहीं रही है वीडियो में, बट बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं ये जो मसाले हैं वो पक चुके हैं, और राजमा भी काफ़ी अच्छे से पक गया है। राजमा पहले से ही बॉयल था तो बिल्कुल भी पकाने की इसकी नीड बिल्कुल नहीं थी। तो अब इस स्टेज पे हमें ऐड कर देना है, गैस को ऑफ करके इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीफ, और इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे। अब हमें जो ये ग्रेवी है इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे, तुरंत हमें सर्व नहीं करना है, और इस तरह से हमें ढक के रख देना है। 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अब यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा राइस, क्योंकि राजमा बिना राइस का तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। देखने से भी काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, पर टेस्ट में मैं बता सकती हूँ बहुत ही डिलीशियस लग रहा था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, इवन उससे भी ज़्यादा बेटर टेस्ट था इसका। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, और एक बार आपने बना लिया इस तरह से तो डेफिनेटली लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।